अस्सलामुअलैकुम नक्स नगेट्स चैनल में आज मैं अपनी किचन बनाने जा रही हूँ मुंबई का फेमस पाव भाजी। ये मुंबई में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आज इसे हम अपने घर में बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैं छोटे छोटे कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी, गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मटर, इसमें आप अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और बटर भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा ही मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना हमारा अच्छे से कुक हो जाता है। तो मैं इसे 3 सीटियों तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी। 3 सीटियाँ हो चुकी हैं, मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दूँगी और मैं सब्ज़ियों को अच्छे से मैशर से मैश कर लूँगी। सब्ज़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी थी, ये देखिए मैश भी हो गई है। अब मैं एक बर्तन लूँगी, उसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर लूँगी और फिर उसमें थोड़ा बटर, बारीक चॉप किए हुए प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पाव भाजी का मसाला ऐड कर दूँगी, इसे मैं थोड़ी देर अच्छे से कवर करके पकाऊँगी। तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। तो अब मैं इसमें बॉईल की हुई जो सब्ज़ी हमारी है उसे मैं ऐड कर दूँगी। अब मैं अच्छे से मसालों में से मिक्स कर लूँगी। हमारी भाजी जो है वो देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है एकदम। तो अब मैं एक तवा लूँगी, उसे मैं बटर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अब मैं इसमें जो भाजी हमने तैयार किया था वो ऐड कर दूंगी। इससे हमारी पाव भाजी की जो भाजी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बन के तैयार होगी। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं उसी तवे पे थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी, धनिया पत्ता और हमारा जो पाव है उसको मैं उसी में अच्छे से सेकूँगी। दोनों साइड से इसे मैं अच्छे से सेक लेना है। देखिए पाव हमारा अच्छे से सिक चुका है, तो अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का पाव भाजी हमारा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।